सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हम मैं आपको अपने मतलब ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये दोस्तों हमारे GoPro कैमरा से है। तो दोस्तों देखिए और इसकी क्वालिटी बताइएगा कि मतलब ये क्वालिटी कैसी लग रही है। क्योंकि दोस्तों ये पूरा मतलब कि मैंने जो अब जो पूरा सेटअप मेरा क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों मैंने मतलब कि जितना भी GoPro का सामान मंगाया था मंगा लिया है। और दोस्तों ओवरऑल कॉस्टिंग इसकी बहुत ज़्यादा हाई पड़ चुकी है। GoPro का पूरा रिव्यू भी मैंने आपको मतलब उसमें ज़्यादा तो नहीं दिया था, लेकिन बट इसमें मैं बता देता हूँ। दोस्तों कैमरा वमरा ये सब लेके और ये सब माउंट्स वगैरह मंगा के पूरा सब कुछ दोस्तों हम लोग को ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स 45,000 का पड़ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे मतलब कि जो हमारे यूट्यूब से इनकम आई थी उससे हम लोग ने ये सब पूरा खरीद लिया है। और दोस्तों आगे भी हम लोग ऐसे ही इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए हमारे चैनल को। जो सेकंड चैनल है दोस्तों सुटपो फैक्ट्स करके, आप उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों शिवम मेरा आज फास्ट है और दोस्तों मम्मी पापा का भी फास्ट है। आज सिर्फ घर में सिर्फ यति खाने वाली है, क्योंकि वो दोस्तों छोटी है तो इसलिए वो फास्ट नहीं रह सकती। तो इसलिए हमने उसको रहने के लिए भी नहीं इनका है, कि पिछले साल उसने मतलब पहले दिन का फास्ट रख लिया था। तो दोस्तों लेकिन वो सोच लीजिए छोटी बच्ची हो के, दोस्तों अभी वो सिर्फ सेकंड क्लास में थी पिछले साल और उसने पूरा दिन व्रत रखा था, कुछ नहीं खाया पिया था। सोचिए छोटे बच्चों के भी मन में मतलब उस टाइप का आ गया कि मतलब मम्मी पापा भैया सब व्रत हैं, तो उसने भी रख लिया था व्रत। तो दोस्तों मैं और शिवम भी आज फास्ट हैं लोग, पहला और लास्ट वाला। तो दोस्तों मम्मी जी ने हमारा बना दिया है, यहाँ पे मखाने और मूंगफली के दाने तैयार हैं फास्ट का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चाय रेडी हो रही है हमारी। तो दोस्तों आज से मतलब हम लोग फास्ट रहेंगे। मम्मी का तो 9 दिन का फास्ट है, क्यों मम्मी? हाँ, मेरा 9 दिन का रहेगा और मेरा बेटा ये चढ़ता उतरता रहेगा। तो अभी शाम के हो रहे हैं, 5 बज रहे हैं। और दोस्तों अभी हमारा 5:30 बजे से हमारा ऑफिस स्टार्ट होगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे दोस्तों अपना ऑफिस का सेटअप अब रेडी कर रहा हूँ, लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ। और दोस्तों आज हमारा फास्ट है जैसे कि आप सभी जानते ही हैं। और दोस्तों सुबह से लेकर अभी शाम हो गए हैं, हम लोगों ने मतलब सुबह चाय वाय पिया था और मखाने। और दोस्तों अभी इस टाइम में दोस्तों अभी हम लोगों ने दोपहर में फल वल खा लिया था। और दोस्तों शाम का टाइम है, अब देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं। बट दोस्तों चलिए अब अपना ऑफिस का सेटअप स्टार्ट करते हैं एंड देन आप सभी से मिलते हैं। देखते हैं कि दोस्तों रात में हम लोगों का क्या आया। शायद दोस्तों पहला और लास्ट व्रत हैं तो दोस्तों फास्ट में फास्ट वाला नमक खा सकते हैं शायद। तो दोस्तों शायद हम लोग आलू और फास्ट वाला नमक खाएंगे। दोस्तों फिर चलिए अपना पहले अपना ऑफिस का सेटअप स्टार्ट करते हैं देन आप सभी से। तो दोस्तों हमारा GoPro का सेटअप भी हो चुका है जैसे कि आप सभी जानते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे अपनी इलाहाबाद नगरी आप सभी को घुमाऊंगा। जैसे इलाहाबाद में दोस्तों कई सारी जगह हैं घूमने के लिए। एक तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा दूर है इलाहाबाद से, 70 किलोमीटर दूर है मनगढ़ धाम करके। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही औसम जगह है, बहुत ही मस्त जगह है। मैं एक बार गया हूँ पर दोस्तों बहुत अच्छी है, वो भी जगह आपको घुमाऊंगा। फिर दोस्तों यहाँ पे अकबर का किला भी है, नेहरू जी का भी एक चीज़ है, ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम है, नेहरू का मतलब कुछ है। और दोस्तों यहाँ पे संगम तो है ही, संगम नगरी है जहाँ जानते हैं आप लोग, वहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है, उसे ही संगम कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये पान पर। और दोस्तों आप जैसा जानते हैं यहाँ पे कुंभ मेला भी होता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें यहाँ पे। अब दोस्तों अब मेरा मतलब कैमरा सेटअप तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, GoPro बिल्कुल रेडी है। अब दोस्तों हम लोग कैमरा रेडी कर चुके हैं। तो दोस्तों अब आपके लिए ट्रैवल ब्लॉग्स भी मैं लेके आऊँगा और दोस्तों नई नई जगह पर जाके आप सभी के लिए बहुत सी अमेजिंग वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों सभी बच्चे रेडी हो गए हैं और सभी लोग अब डांडिया के लिए जा रहे हैं। हम लोग मंदिर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, यहाँ चालू हो गया है पूजा पाठ। Yeah.
सो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत मस्त माहौल है, एकदम तगड़ा वाला। हम लोग दोस्तों अब मैं आपको अलग दिन दूसरे दिन दिखाऊंगा कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। यहाँ पे आज का सीन बस यहीं तक था और दोस्तों अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मैं निकलता हूँ, यदि दादी लोग के साथ आ जाए।